सभी बीएसएफ के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने एक और नई नोटिफिकेशन। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी हर नोटिफिकेशन की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको पता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत सारी सीट्स खाली हैं कांस्टेबल पोस्ट पे, और इसीलिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अदर फोर्सेज भी लगातार कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल रही है। इसी कड़ी में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एक और वैकेंसी आई है, और यह वैकेंसी है टोटल 1410 पोस्ट के लिए, यानी 1410 पोस्ट के लिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सबको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आइए देखते हैं वैकेंसी से जुड़ी कुछ डिटेल। इसकी अप्लाई डेट कब शुरू होने वाली है, इस बारे में अभी डेट क्लियर नहीं है। जल्द ही जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, हम एक और वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। एज लिमिट काफ़ी अच्छी खासी, 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1410 पोस्ट है। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी बात करें तो कॉबलर पोस्ट में आपकी टोटल 22 वैकेंसी है, टेलर में 12 वैकेंसी है, प्लम्बर में 22 वैकेंसी है, पेंटर में 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 12 है, पंप ऑपरेटर में 1 है, ड्रॉट्समैन में 8 है, अप होल्स्टर में 1 है, टिन स्मिथ में 1, बुचर में 1, कुक में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 456 पोस्ट है कुक में, वाटर कैरियर में 280 है, वॉशरमैन में 125, बारबर में 57 और स्वीपर में 263, वेटर में 5, माली में 25 और खोजी में 36 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी बनती है 1343, तो 1343 पोस्ट कुल मेल कैंडिडेट्स के लिए आई है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 में। अब फीमेल कांस्टेबल के लिए बात करें तो इनके लिए टोटल पोस्ट 67 है, जिसमें कॉबलर में 1 पोस्ट, टेलर में 1 पोस्ट, प्लम्बर में 1 पोस्ट, पेंटर में 1 पोस्ट, कुक में यहाँ भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 24 पोस्ट है, वाटर कैरियर में 14 पोस्ट है, वॉशरमैन में 7 है, बारबर में 3 है, स्वीपर में 14 है, माली में 1 है, यानी टोटल 67। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राउट्समैन, अपहोल्स्टर और टिन स्मिथ, इनके लिए एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए, या आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पार्टिकुलर ट्रेड में। इसके अलावा अगर आपके पास ITI की 1 साल की डिग्री है, या फिर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट की 1 साल की एक्सपीरियंस डिग्री है इस पार्टिकुलर ट्रेड में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बारबर, स्वीपर, माली और खोजी की करें तो इसके लिए भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही चाहिए। कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बुचर के लिए करें तो इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF से लेवल 1 कोर्स आपने किया हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट देना होता है, फिर रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी हाइट वेट टेस्ट की बात करें तो SC ST आदिवासी कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। हिली एरिया के मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी सभी कैंडिडेट्स मेल के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल के लिए बात करें तो SC ST आदिवासी के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा गया है, हिली एरिया के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है और बाकी सभी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें एक ही सभी के लिए है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस दौड़नी है 24 मिनट में, वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस दौड़नी है 8.5 मिनट में। इसके बाद बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो इसमें 4 पेपर रहते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड या फिर हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल, और सभी से 25-25 क्वेश्चन रहते हैं 25-25 मार्क्स के लिए, यानी कुल 100 मार्क्स के पेपर रहता है 100 क्वेश्चन को लेकर। तो ये थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। 1400 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, तो आप सबको इसका फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। जैसे ही फॉर्म ओपन होगा या दूसरी डिटेल आगे आती है, वैसे ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे।
अगर आप BSF की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस। हमारी ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप पे भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जिसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। अगर आप YouTube से भी क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारी MKC SSC GD UPP क्लासेस पे डेली सुबह 7 बजे से BSF के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ से भी जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले किसी जानकारी के साथ। जय हिंद।